Hello friends, welcome back to my channel Beauty with Budget and it's time for beauty time. So मैं आज आप लोग के लिए लेके आई हूँ pineapple facial, vitamin C facial. बहुत ही अच्छा होता है ये फेस के लिए because vitamin C में vitamin C होने के साथ साथ इसके अंदर बहुत सारे ऐसे विटामिन्स होते हैं जो हमारे स्किन के लिए हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं. सो आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें लेना है पाइनएप्पल. पाइनएप्पल को हमें पील करके उसके पीसेस को काट लेना है एंड एक मिक्सर ग्राइंडर में इसको डालकर इसका एक पेस्ट बना लेंगे. ये जो पेस्ट है ये फुल ऑफ विटामिन सी है बिकॉज पाइनएप्पल विटामिन सी का भंडार होता है और इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए. नेक्स्ट, सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे स्क्रब बिकॉज एक फेशियल को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें एक स्क्रब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. सो सबसे पहले हम करते हैं स्क्रबिंग के लिए तैयारी. तो हम ले रहे हैं ग्रीन टी. यहाँ मैं ग्रीन टी ले रही हूँ ड्रिंकलिंग की एंड इसमें मैं मिलाऊंगी 1 to 2 टेबल स्पून इस पेस्ट को. ये एक बहुत ही बढ़िया फेस स्क्रब बनेगा. ये एंटी एजिंग फेस स्क्रब होगा, साथ ही आपके चेहरे से जितने भी आपकी डर्ट है उसको निकालेगा एंड जितने भी आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं उनको भी साफ़ करेगा और आपके फेस पर एक बहुत अच्छा ग्लो लेके आएगा क्योंकि इसमें विटामिन सी है. सो यहाँ पर सबसे पहले आपको लगाने से पहले करना है एक प्रोसीजर. आपको लेना है गर्म पानी एंड उससे अपने फेस को थोड़ा सा पैट ड्राई करना है बिकॉज गर्म पानी से आपके फेस के जितने भी पोर्स हैं, जितनी भी आपकी डील्स वगैरह हैं वो सारी नरम हो जाएंगी और स्क्रबिंग के थ्रू जल्दी निकल जाएंगी. सो नाउ गेट स्टार्टेड विद स्क्रबिंग. आपको बहुत ही हल्के हाथों से अपने हाथों पर स्क्रबिंग करनी है एंड ये बहुत मैसी है तो ध्यान रखें कि आप जब भी स्क्रबिंग करें तो आप एक पेपर बिछा कर नीचे जब ही स्क्रबिंग करें. बहुत ही माइल्डली स्क्रबिंग करनी है. यहाँ पर मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड मोड में किया हुआ है इसलिए बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी लग रहा है. सो आपको बहुत माइल्डली करनी है. 3 to 4 मिनट्स आपको स्क्रबिंग करनी है. बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं. आपको अपने फेस पर इंस्टेंटली ग्लो नज़र आएगा बिकॉज ये विटामिन सी से भरपूर होता है. इससे आपको एक्ने से प्रिवेंशन मिलेगी, फाइन लाइन से प्रिवेंशन मिलेगी, जितने भी सन डैमेज से आपकी स्किन ख़राब हो गई है उससे आपकी जो स्किन है वो साफ होगी एंड जो स्किन पे जो अनइवन स्किन टोन है उसको भी ये रिमूव करेगा. सो ये फेशियल इन विंटर सीजन में बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगा. स्क्रबिंग के बाद आप एक इसी तरीके के टिश्यू से अपने फेस को साफ कर लीजिए. धोने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं ग्लो. नेक्स्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फेस पैक. फेस पैक बनाना बहुत ही आसान है. आपको लेना है बेसन. 2 टेबल स्पून बेसन लीजिए एंड उसमें 2 to 3 टेबल स्पून इस पेस्ट को मिला दीजिए. बहुत ही अच्छा फेस पैक है ये. आप इस फेस पैक को रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपके फेस पर और इसमें आपको कुछ ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ अपने फेस पर. आपको इसको ना तो ज़्यादा थिक रखना है और ना ही ज़्यादा इसको रनी बनाना है. आपको ऐसा लगाना है कि अपने फेस पर ये स्टिक हो जाए. बहुत ही बेनिफिशियल होगा ये फेस पैक भी आपके लिए और इस फेस पैक को लगाने से आपके फेस पर इंस्टेंटली आपको ग्लो नज़र आएगा क्योंकि बेसन तो बहुत अच्छा होता है, एक्ने को प्रिवेंट करता है, साथ ही एक बहुत अच्छा क्लींजर होता है फेस के लिए एंड ये आपके फेस से सारे फाइन लाइंस को हटाएगा, सारे रिंकल्स को भी रिमूव करेगा. ये जो फेस पैक है भरपूर है विटामिन बी से, विटामिन सी से, मैंगनीज से, कॉपर से, पोटेशियम से एंड बहुत सारे फॉलिक एसिड से. सो इस वाले पैक को आप ज़रूर अप्लाई कीजिए और आपको इसका बेनिफिट्स बहुत जल्दी नज़र आएगा. आपको इसको लगाना है एंड आपको इसको लगाकर 20 मिनट्स तक वेट करना है. आप देख सकते हैं आफ्टर 20 मिनट्स ये सूखा सूखा सा हो गया है, टोटली सूखेगा नहीं पर आपको इसको स्क्रबिंग करके ही उतारना है. बहुत अच्छी तरीके से स्क्रबिंग करनी है, जेंटली, बहुत हार्शली नहीं करनी है. सो स्क्रबिंग करने के बाद आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए और वॉश करने के बाद अपने फेस पर आप देखेंगे कि इंस्टेंटली बहुत ज़्यादा ग्लो आ गया है क्योंकि ये विटामिन सी फेशियल है और विटामिन सी इन दिनों मार्केट में बहुत ज़्यादा छाया हुआ है और बहुत अच्छा होता है हमारे फेस के लिए. ग्लो आपको नज़र आ रहा है. ये फेशियल आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना. बाय बाय.